भलाई की, सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, सबको खुश रखने की कोशिश की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? लोग हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं चलते? फिर लगता है कि अच्छाई का जमाना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने में अच्छा होना कोई बुरी बात हो, जैसे कि अच्छा होना कोई बुराई हो, क्योंकि अच्छाई करके भी बदले में बुराई मिलती है, उस अच्छाई का रिजल्ट नहीं दिखता। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बदले में अच्छा मिलना भी चाहिए। लोग तो हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ज्यादा अच्छे बनो तो लोग हमें कमजोर समझते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अभी अच्छाई का सही अर्थ समझे ही नहीं। अच्छाई का ये मतलब नहीं होता कि लोग जैसे हमें कंट्रोल करें हम वैसे चलें। अच्छाई का सीधा सा सिंपल सा अर्थ है किसी के साथ बुरा ना करना, वो अच्छा ही है। जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो आप अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान के आगे सर झुकाते रहो, हर इंसान की बात मानते रहो, वो अच्छा ही नहीं है, वो तो मूर्खता है। और आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाए, आपके भले होने का फायदा ना उठाए, या आपको नुकसान ना पहुंचाए, या आपके साथ गलत ना करे, तो ये पांच बातें आप जरूर ध्यान में रखें। पहली बात, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहें। आपका लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होना ये दिखाता है कि आप कितने खाली हैं, और आपका खाली होना आपके मूल्य को घटा देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है हम इसके पास जब चाहे जा सकते हैं, ये तो फ्री है ना। उनको आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हैं उनके लिए। दिन हो रात हो, जब उनको जरूरत हो आप तो बैठे ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल ना हो। इतने महंगे ना बनो कि लोग आपको बुला ना सकें, और इतने भी सस्ते ना बनो कि लोग आपको नचाते रहें। और ये मत सोचिए कि दूसरे को कैसा लगेगा, आप ये सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। जब कोई आपकी कदर ही नहीं करेगा, आपकी वैल्यू ही नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? अपनी जिंदगी में आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को दीजिए, अपनी लाइफ को दीजिए। हाँ, जरूर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए उसके दुख में, उसकी तकलीफ में, पर जब आपकी हेल्प की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपको भी किसी के पीछे मरने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, आप ना कहना सीखिए लोगों को। कई बार लोग कहते हैं कि हम ना ही नहीं कह पाते, जो हमारे साथ जैसा चाहे व्यवहार करना चाहे कर जाता है, कैसे ना कहें, बुरा लगता है लोगों को। आप ये मत सोचिए, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे ना कहने से लोगों को बुरा ना लगे, तो याद रखना एक बात, उन्हें बुरा लगे ना लगे, आपको बुरा जरूर लगेगा। जो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, जो काम आप बिना इच्छा के कर रहे हैं, उससे आपको बुरा जरूर लगेगा। और आपकी जिंदगी आपके लिए है, जब तक आप खुश नहीं हैं तब तक आप दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। आपका मन नहीं है कुछ करने का तो ना कहना सीखिए, आपका मन नहीं है कुछ देने का तो ना कहना सीखिए। इट्स योर चॉइस, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी चलनी चाहिए। किसी को ना कहने से आप बुरे इंसान नहीं बन जाते हैं। और रही स्वार्थी होने की बात, तो आज कौन स्वार्थी नहीं है? जब किसी और को आपकी नहीं पड़ी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके सुख दुख से, आपकी खुशी से, आपके गम से, तो आप क्यों इतना टेंशन करते हो? आप अपने माइंड को फ्री रखिए। आपको लगता है कि मुझे यह काम नहीं करना है, तो आप ना करिए। और तीसरी बात, लोगों को अपना बहुत ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि समय जिंदगी का वो हिस्सा है, जब आप किसी को एक बार वो दे देते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी का गुजरा एक लम्हा भी कभी भी लौट कर नहीं आएगा, तो आप अपना समय लोगों को सोच समझ कर दें। कई बार लोग कहते हैं कि इतने साल से रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे, इतना समय हमने दिया, सब कुछ किया, पर बदले में हमको दुखी मिला, धोखा ही मिला, हमारे साथ गलत हुआ, तो आपने इतना समय दिया ही क्यों? अब वो रिश्ता तो नहीं रहा, पर वो समय कभी आपके पास लौट के नहीं आएगा। सबसे ज्यादा समय आप खुद के डेवलपमेंट में लगाइए, आप वो समय खुद को दीजिए, खुद को ग्रो करने में वो समय लगाइए। आप अपने तन से, मन से, धन से ज्यादा समृद्ध बने, ज्यादा खुशहाल बने, आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि जो समय आप खुद पे लगाएंगे वही आपको काम आएगा। हमारे कहने का ये मतलब नहीं कि आप अपने परिवार को, मित्रों को समय ही ना दें, पर जितने समय में काम बन जाए बस उतना काफी है। चौथी बात, आप बहुत ज्यादा लोगों की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि उनकी परवाह के चक्कर में आप जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। आप खुद की परवाह कीजिए। इतना ही आपको परवाह करने का शौक है तो आप खुद की परवाह क्यों नहीं करते? खुद अगर आप दुखी लगे पड़े हैं, परेशान लगे पड़े हैं, पहले तो आप खुद को ठीक कीजिए। यदि आप ही खुश नहीं तो आप दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं? हमने देखा है, जो लोग भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा लोगों से जुड़े होते हैं या बहुत ज्यादा लोगों की परवाह करते हैं, अक्सर वो लोग भावनात्मक रूप से बहुत दुखी होते हैं।